नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी विधायक ईश्वर सिंह को महिला ने थप्पड़ जड़ दिया। विधायक के साथ लोगों ने धक्का मुक्की भी की। विधायक कैथल जिले में अपने विधानसभा क्षेत्र गोहला में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे थे। चिका क्षेत्र के गांव भाटिया में गग्गर नदी का बांध टूटने के बाद पानी गांव में भर रहा है, जिसको लेकर विधायक वहां गए थे। जब वे गांव में पहुंचे तो उन्हें ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने आरोप लगाया कि 5 साल में वह एक भी लोगों का दुख दर्द जानने के लिए नहीं आए, अब यहाँ क्या करने आए हैं। इस दौरान एक महिला से बहस के दौरान ग्रामीण महिला आक्रोशित हो गई और गुस्से में विधायक को थप्पड़ जड़ दिया। यहाँ गग्गर नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 40 गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और कई गांवों की आबादी में भी पानी भर गया है। बुधवार शाम को पंजाब बॉर्डर के साथ लगाते भाटिया गाँव में गग्गर का बांध टूट गया और पानी गाँव व खेतों में भर गया। वहीं दिल्ली में बाढ़ के खतरे पर सीएम अरविंद केजरीवाल के निशाने पर हरियाणा आ गया है। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले 3 दिन से बारिश नहीं हुई है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।